कल की वीडियो में बेटा आपके पास 9.5 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुका था। अभी आपके पास ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, ऐसे ये क्वेश्चन यहाँ पे आप आपको सॉल्व करना है। अभी आपके पास ये थर्ड वाला क्वेश्चन लिखा है बेटा, 9.5 का थर्ड वाला क्वेश्चन। इसके दोनों ब्रैकेट कैसे इक्वल है, 2a-7, तो अपन इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अपन आइडेंटिटीज़ लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटीज़ लगेंगी बेटा, a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज़ यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2a-7, यानी a के जगह पे आपके पास क्या आ गया 2a, और b के प्लेस में क्या आ गया बेटा 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2a इसका होल स्क्वायर। देखो बेटा बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इसको लिखते समय पे ऐसा लिखते हैं 2a का स्क्वायर। सिर्फ इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा, ये a का स्क्वायर है, 2 का नहीं। तो ऐसे नंबर जब रहेंगे और स्क्वायर लिखने का काम पड़ेगा तो उसको ब्रैकेट देना कंपलसरी रहता है। यहाँ पे आ गया बेटा आपके पास 2a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, a कितना है आपके पास 2a, b कितना है आपके पास 7, प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ पे अपन ने 7 का स्क्वायर लिखा बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है इसके लिए। फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बोले तो 4a का स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 2 4 4 7 कितना आ जाएगा माइनस 28a, और यहाँ पे आपके पास 7 का स्क्वायर बोले तो 49। ये हो गया बेटा इसका आंसर। अभी सेम वैसे ही यहाँ पे आपको क्या दिए भाई बेटा, 3a-1/2। ये आपके पास दो टाइम है तो इसको अपन क्या कर सकेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में अपन ऐसा लिख देंगे। फिर यहाँ पे भी आपके पास आइडेंटिटीज़ लगेंगी, a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अभी यहाँ पे आपके पास a की जगह पे क्या है बेटा, 3a-1/2 इसका होल स्क्वायर। a के जगह पे 3a और b के जगह पे 1/2 है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर बोले तो 3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, a बोले तो 3a इंटू b, b बोले तो कितना है बेटा आपके पास 1/2। फिर यहाँ मान नहीं रहा इसलिए बेटा मैं नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 इसका स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखिए बेटा 3a का स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा 9a का स्क्वायर। ये आ गया बेटा ऐसा। देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास ये है आपको 8 तक का ही, ये जो दिए हुआ है ये आपको 9th में सॉल्व करना है। मैडम आप हमको अभी से क्यों समझा रहे, ताकि आपको 9th में इजी हो इसके लिए बेटा। फिर अभी आपके पास यहाँ पे मैं 7th वाला क्वेश्चन समझा दे रही हूँ बेटा। यहाँ पे 6x-7, 6x+7, तो आपके पास आइडेंटिटीज़ है a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b। आपके पास फर्स्ट, यहाँ की भी फर्स्ट टर्म इक्वल है, सेकंड टर्म इक्वल है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। सेम वैसे यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट टर्म इक्वल, फिर माइनस प्लस है, फिर 7 इक्वल टर्म है। मैडम आपने तो पहले प्लस लिखा है, यहाँ पे तो माइनस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बेटा। तो फिर आपको ये वाले टर्म को आप ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा फिर आपके पास, यहाँ पे आपको दिए हुआ है क्वेश्चन, तो 6x इसका स्क्वायर माइनस 7 इसका स्क्वायर। फिर 6 का स्क्वायर आपके पास कितना हो गया 36 × x², और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 49। ये हो गया बेटा आपके पास 7th वाला क्वेश्चन सॉल्व। मैडम आपने हमको 4th बताया एकदम डायरेक्ट 7, अभी अपन 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। अभी आपके पास 5th वाला क्वेश्चन दिया है आपको, ये आपके पास 5th वाला क्वेश्चन है बेटा, जो मैं आपको लिख रही हूँ अभी, यहाँ पे लिख दे रही हूँ। आपके पास ये वाला क्वेश्चन दिए हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास फर्स्ट टर्म इक्वल है, माइनस प्लस है, और सेकंड टर्म इक्वल है। आपके पास a² - b² इज इक्वल टू a + b, और यहाँ पे आ जाएगा a - b, ये आइडेंटिटीज़ यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.1m इसका होल स्क्वायर बेटा, फिर यहाँ पे माइनस 0.4 इसका होल स्क्वायर। तो आपके पास 11 का स्क्वायर है, आपके पास 2 1 1 2 1, ये 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपके पास एक है तो एक पॉइंट आ जाएगा दो प्लेस पहले, यानी आपको लिखना है 1.21m का स्क्वायर माइनस। अभी आपके पास यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा आपको 16,
देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास ये 11 का स्क्वायर हो गया 1 2 1, तो यानी 2 प्लेस के पहले पॉइंट है। यहाँ पे आपके पास 16 आ जाएगा तो 0.16 एम सॉरी यहाँ पे कोई नहीं दिया भाई, यहाँ पे ये हो गया आंसर बेटा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर मिल जाएगा। अभी आपके पास इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा आपको। ये हो गया बेटा आपके पास, सॉरी ये हो गया आपके पास 8 वाला क्वेश्चन और ये हो गया आपके पास 9th वाला क्वेश्चन। अभी मैं 8 वाला क्वेश्चन लिख रही हूँ बेटा। बेटा यहाँ पे आपको क्या बोला है बेटा, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़। यहाँ पे बोला है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे कोई आइडेंटिटीज़ देखो, अब यहाँ माइनस ए प्लस सी और यहाँ पे माइनस ए प्लस सी, अगर फर्स्ट टर्म और प्लस सेकेंड टर्म ये दोनों इक्वल है आपके पास तो आप क्या लिख सकेंगे बेटा, माइनस ए प्लस सी इसका होल स्क्वायर। अगर आपके पास यहाँ पे प्लस होगा तो एक प्लस और एक माइनस, आपके पास थर्ड नंबर की आइडेंटिटीज़ भी लग सकती है। तो ये वाला क्वेश्चन कहीं तो भी आपको एक तो यहाँ के साइन नहीं तो यहाँ के साइन चेंज हुए हैं यानी पॉजिटिव है बेटा। अब आपको इसमें कौन से नंबर में कैसा दिया हुआ ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इसको ही लेके आपको सॉल्व करके दे रही हूँ। अगर टीचर ने इसमें साइन चेंज किया तो मुझे बोलना, मैं वो समझा दूँगी बेटा आपको। यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, माइनस ए, देखो इसको अपने ब्रैकेट में डाले, प्लस सी इसका होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए अपने ऐसा लिखे, तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा आपके पास, माइनस ए। अभी आपको यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटीज यूज़ करना है तो क्या आएगा आपके पास, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए, ए बोले तो माइनस ए आ गया है, इंटू बी, बी के जगह पे आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे सी, प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बोले तो यहाँ पे आ गया सी का स्क्वायर, क्योंकि बी के प्लेस पे क्या लिखा है यहाँ पे सी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे माइनस है पर लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, इवन नंबर है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव में, तो यानी ए का स्क्वायर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास माइनस टू ए सी और प्लस सी का स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले साल भी ये प्रॉब्लम गई थी बेटा, तो इस साल भी शायद आपको टीचर जैसा बोलेंगी वैसा मुझे बताना क्वेश्चन, मैं आपको वैसा सॉल्व कर दूँगी। पर मेरे हिसाब से मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ बेटा। देखो अभी यहाँ पे अगर मैंने ए प्लस सी लिया और यहाँ पे माइनस ए प्लस सी है, इसको ही मैं सेकंड प्रोसेस से समझा रही हूँ बेटा, क्योंकि क्वेश्चन अपने मन से मैं चेंज कर रही हूँ। अगर टीचर ने आपको ऐसा करके दिया तो यहाँ पे जो समझाऊंगी वो सॉल्व करना, अगर ऐसा करके दिया आपको टीचर ने, इसको माइनस बोला है, ये भी सेम दोनों ब्रैकेट सेम ही रखा है, ऐसा सॉल्व करके दिया तो इसको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे आपके पास इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी बेटा, इसको आप सी प्लस ए और यहाँ पे आप सी माइनस ए ऐसा लिख सकते हैं बेटा, यानी आपके पास यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटीज लगेंगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी मुझे बताइए बेटा, ए के जगह पे आपके पास यानी ए के प्लेस पे कौन है, सी, और बी के प्लेस पे है ए। यहाँ पे भी ए के प्लेस पे सी है, माइनस है, फिर बी के प्लेस पे ए, यानी प्लस माइनस है, यहाँ पे भी प्लस माइनस है, तो आप इसको कैसा लिख सकोगे। देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यानी सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर आप इसको लिख सकोगे। ये तो आइडेंटिटीज है बेटा आपके पास। तो ये आप इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अभी इसके आगे जो दिए हुआ है बेटा आपको 9th वाला क्वेश्चन, अभी वो कल अपन ठीक है पढ़ा देंगे बेटा अपन। 9th वाला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा आपको, एक्स बाय टू प्लस थ्री वाई अपॉन फोर, ये फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, एक्स बाय टू प्लस थ्री वाई अपॉन फोर, ये सेकंड ब्रैकेट, दोनों भी ब्रैकेट सेम है बेटा, तो एक्स बाय थ्री प्लस थ्री वाई अपॉन फोर इसका होल स्क्वायर है। फिर वापस आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे बेटा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स बाय थ्री इसका स्क्वायर प्लस टू इंटू
एक्स बाय थ्री इंटू थ्री वाई अपॉन फोर प्लस थ्री वाई अपॉन फोर इसका होल स्क्वायर। फिर आपके पास एक्स का स्क्वायर कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर नाइन। यहाँ पे आपके पास ये थ्री और थ्री गेट कैंसिल हो गया, टू वन जा और टू टू जा, तो क्या जाएगा आपके पास प्लस एक्स वाई अपॉन टू प्लस यहाँ पे थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन वाई का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा फोर का स्क्वायर सिक्सटीन। ये हो गया बेटा आपके पास नाइन्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको अपन ने स्क्वायर करें, स्क्वायर करें तो फिर अपन ने स्क्वायर की आइडेंटिटीज़ यहाँ पे यूज़ की हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन है बेटा आपके पास वो कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।